प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। 15 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। संसद के दोनों सदनों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर आज फिर विपक्ष ने किया हंगामा। उपराष्ट्रपति ने विपक्ष की चर्चा कराने की मांग को किया खारिज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जताई नाराजगी। भाजपा संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने सांसदों से G20 में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपील की। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा तेजी से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया के बड़े बाजारों में है भारत, साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि। BSNL के रिवाइवल के लिए केंद्र सरकार ने दिया 1.64 लाख करोड़ का पैकेज। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी, जल्द ही स्वदेशी तकनीक से 4G और 5G सेवा शुरू करेगा BSNL। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार किए प्रदान। ईवी यात्रा वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी और बुनकरों ने कॉन्क्लेव में साझा किए अपने अनुभव। मुख्यमंत्री ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। चट्टोग्राम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की समली पारी। चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर के बीच शतकीय साझेदारी, दोनों ने लगाए अर्धशतक। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने संन्यास को लेकर किया बड़ा ऐलान। फीफा विश्व कप का फाइनल अर्जेंटीना के लिए होगा उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच।